सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 14, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, महासागरीय जल के पानी की गतियां या महासागरीय जल संचलन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं राजेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मेरे साथ एंजॉय करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि वायु की भांति महासागरीय जल भी गतिशील रहता है हमेशा ही, और इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, लवणता, घनत्व तथा कुछ एक एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाह्य बल है जैसे सूरज, चंद्रमा, पवन इत्यादि का प्रभाव जो है महासागरीय जल को गति प्रदान करता है। वो हमेशा ही गतिशील जो है वो रहता है, जैसे हमारे धरातल के ऊपर, स्थलखंड के ऊपर वायु हमेशा गतिशील रहती है। तो जो गति है महासागरीय जल की, इस गति का बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों से महासागरीय जल जो है वो गतिशील रहता है। हम बात करते हैं कि महासागरीय जो जल है उसकी दो प्रकार की गति है, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो है वो इसकी मूवमेंट्स होती हैं, एक लंबवत है और एक है क्षैतिज। हम बात करते हैं हॉरिजेंटल इसके मूवमेंट्स के बारे में। हॉरिजेंटल मूवमेंट्स के कारण जो है महासागरीय जल में जो महासागरीय तरंगे हैं, धाराएं हैं, वो उत्पन्न होती हैं एक तो, और दूसरी है महासागरीय तरंगे जो हैं उत्पन्न होती हैं। और वर्टिकल जो मूवमेंट्स हैं उसमें टाइड्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओशियन करंट्स हैं। आगे चल करके आप एक अलग से टॉपिक ओशियन करंट्स के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महासागरीय धाराएँ या करंट्स जो है होती क्या हैं। जब महासागरीय जल नियमित रूप से रेगुलर वे में सागर के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ जो है चलता रहे, हमेशा गतिशील रहे, उसको हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। जैसे धरातल के ऊपर बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, उसी तरह से महासागरीय जल के ऊपर जो है इस प्रकार की पानी जो है एक दिशा से, जल जो है एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जो है प्रवाहित होता रहता है। इसको महासागरीय करंट हम बोलते हैं या ओशियन करंट हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वेव्स के बारे में। तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। महासागरीय जो तरंगे हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये भी एक प्रकार की एनर्जी है जो पवनों के रगड़ के कारण, अगर पवनें चलती हैं महासागरीय जल के ऊपर तो उसके रगड़ खाने के कारण जो है क्या होता है, तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं। और इस ऊर्जा के कारण होता क्या है कि जो महासागरीय जल है वह ऊपर नीचे जो है हिलता है। इसके ऊपर नीचे हिलने के कारण, ऊपर नीचे इस प्रकार से जो है गतिशील रहता है महासागरीय जल जो है ऊपर नीचे हिलता है, तो इसके कारण एक क्रम जो है एक लगातार जो है चलता रहता है। और ये जल जो है ये दोलायमान रहता है, एक पेंडुलम की भांति जो है ऊपर नीचे जो है वो लगातार जो है हिलता रहता है। तो इसके कारण होता क्या है कि जब महासागरीय जल ऊपर उठता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट ऑफ द वेव या तरंग, जो तरंग क्षरण के नाम से इसको हम जानते हैं। और जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसको हम बोलते हैं तरंग द्रोणी, ट्रफ ऑफ द वेव का नाम जो है इसको हम देते हैं। तो इसके पश्चात हम बात करते हैं कि इसी तरह से जो महासागरीय तरंगे हैं, ऊपर नीचे जल का ऊपर नीचे हिलना, इस हिलने के कारण जो है होता क्या है कि महासागर की एक जो तरंग है, सॉरी क्रस्ट है, उस क्रस्ट से लेकर के दूसरे क्रस्ट के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ के नाम से जो इसको हम जानते हैं। और इसी तरह से जो इसकी ऊंचाई है, इस ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, महासागरीय या वेव जो है वेवलेंथ हाइट का नाम जो है इसको हम देते हैं। और इसी तरह से इसके इसकी जो डीप भाग है, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का जो समय है इसको हम बोलते हैं वेव पीरियड जो है इसको हम बोलते हैं, तरंग काल का नाम जो है इसको हम देते हैं। और इसकी ये जो गति है, इस गति को हम वेव स्पीड के नाम से जो हम इसको जानते हैं। तो इस तरह से ये वेव जो है वो चलती रहती हैं, ऊंचाई इसको हम बोलते हैं वेव हाइट के नाम से इसको हम जानते हैं, ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग है और एक शृंग से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो दूरी है इसको हम वेव लेंथ का नाम जो है इसको हम देते हैं। तो इस तरह से वेव्स जो है वो लगातार धरातल के ऊपर जो है वो चलती रहती हैं। और इसके कारण, इसका हालांकि जो सबसे बड़ा कारण है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि विंड्स जो है इसका सबसे बड़ा कारण है, इस विंड्स के कारण ही ये तरंगे जो है लगातार चलती रहती हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं
टाइड्स के बारे में, जो टाइड्स हैं, ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा के बारे में हम बात करते हैं। जो ज्वार भाटा है, उस ज्वार भाटा के बारे में आप लोगों ने भलीभांति आप लोग परिचित हैं, और महासागरीय किनारों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो इसके इससे भलीभांति परिचित हैं कि होता क्या है कि महासागरीय जल जो है क्रम अनुसार दिन में 2 बार ऊपर उठ चढ़ता है और 2 बार जो है वो नीचे उतरता है। इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा का नाम जो है इसको हम देते हैं, टाइड्स का नाम जो है इसको हम देते हैं। जो टाइड है, इस टाइड के कारण अगर ऊपर उठा हुआ भाग है, इस ऊपर उठे हुए भाग को हम बोलते हैं ज्वार, और नीचे धसा हुआ जो भाग होता है उसको हम भाटा, ऐब टाइड का नाम जो है इसको हम देते हैं। तो इसके उत्पत्ति का कारण क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो आप सभी ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में सुना है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती क्या है कि सभी पदार्थों को गुरुत्वा शक्ति अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास जो है वो करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश वह करती है। यह केवल पृथ्वी की गुरुत्वाशक्ति का ही प्रभाव है जिसके कारण ये जो जल है वो पूरा का पूरा जल जो है वो हमारी पृथ्वी के साथ जो है चिपका हुआ रहता है। अब पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन इसके ऊपर जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी बाह्य जो फोर्सेज हैं जिनमें मून है, सन है, ठीक है, इनकी शक्तियां भी पृथ्वी के ऊपर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जो है वो दिखाती हैं। तो अगर सूरज और चंद्रमा, हालांकि सूरज जो है वो चंद्रमा से लगभग 255 लाख गुना बड़ा है, परंतु फिर भी सूर्य की पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तुलना में लगभग जो है 169 गुना जो है ही पड़ता है सूरज का इसके ऊपर प्रभाव। हालांकि सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसके ऊपर चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के ऊपर जो है वो सर्वाधिक रहता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के नजदीक है, पास होने के कारण जो है वो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये क्या करती है, पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। और इसी दौरान क्योंकि वो पृथ्वी का जो जटिल भाग है, कठोर भाग है, उसको तो वो खींच नहीं पाता है, लेकिन जो तरल भाग है, इनकी जलीय महासागरीय जो भाग है, उस जलीय भाग या जल का भाग जो है इनकी तरफ जो है आकर्षित होता है। तो इसीलिए जल जो है उनकी तरफ जो आकर्षित होता है, इनकी ऊपर की तरफ उठता है, जिसके कारण टाइड जो है वो आते हैं, ज्वार भाटा जो है वो उत्पन्न होता है। इसी को ही ज्वार भाटा जो है कहा जाता है। तो हालांकि जो ज्वार भाटा है, जब चंद्रमा के सामने का जो भाग है वहां पे हाई टाइड जो है आता है, जैसे मैंने पहले कहा कि दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा जो है वो हर एक स्थान के ऊपर जो है आता है। तो इसके आने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा के सामने और सूरज के सामने का जो हिस्सा है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है इनका ज्यादा हो जाता है। तो इस ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि ज्यादा जल जो है आकर्षित होता है, तो ज्यादा पानी जो है उस भाग की तरफ जो है खींचा चला आता है। तो उस ज्यादा भाग के सामने का जो हिस्सा है वहां पे हाई टाइड जो है आता है, ऊंचा ज्वार जो है आता है। जबकि इसके ठीक विपरीत दिशा में इस भाग में आप लोग देख रहे हैं, यहां पे भी हाई टाइड जो है वो आया है। तो उसका कारण है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। इस अपकेंद्रीय बल के कारण जो है यहाँ पे भी हाई टाइड आता है, लेकिन इसी समय पृथ्वी के 2 भागों के ऊपर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लो टाइड है और इस भाग में भी लो टाइड है। तो उसका कारण है कि यहाँ से जल जो है इस भाग की तरफ आकर्षित हो गया, या इसका यहाँ का जल जो है इस भाग की तरफ जो है दोनों तरफ जो है आकर्षित हो जाता है, यहाँ पे लो टाइड जो है आता है। तो पृथ्वी पर 2 बार जो है वो हाई टाइड और 2 बार जो है लो टाइड जो है वो पृथ्वी के हर भाग के ऊपर जो है आता है। तो का कारण है। अभी हाई टाइड और लो टाइड जो है वो कब आते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूरज जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो हाई टाइड आता है, क्योंकि इनकी जो फोर्स है चंद्रमा की और सूरज की जो बल है वो दोनों मिलकर के पृथ्वी के बड़े भाग को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इनकी इनकी फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है, बल जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हाई टाइड जो है वो उत्पन्न होता है। और इसी तरह से ये हाई टाइड की हम बात करें, ज्वार भाटा के प्रकारों की अगर हम बात करें, तो ज्वार भाटा जो है इसकी वर्गीकरण हम करते हैं, एक तो है आवृत्ति के आधार पर, यानी कि टाइड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी बेसिस है, और दूसरा आता है ऊंचाई के आधार पर। तो हाई टाइड जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि दिन में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा जो है आता है, तो उसको फ्लड टाइड और ऐब टाइड के नाम से जो है हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्वार
एवं भाटा जो है दिन में 2 बार क्यों आता है, उसका कारण क्या है कि सागरीय जल के ज्वार एवं भाटा में 2 दिन बार आते हैं, इसका मुख्य कारण है पृथ्वी की दैनिक गति और चंद्रमा के गुरुत्वा शक्ति के कारण पृथ्वी के सम्मुख वाले भाग में जो ज्वार उत्पन्न होती है, परंतु उसके ठीक विपरीत दूसरे भाग की तरफ भी क्या होता है, एक ज्वार जो है उत्पन्न होता है चंद्रमा के इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है, जहां पे भाग आगे होगा वहां पे ज्यादा शक्ति होगी, लेकिन दूसरे भाग के ऊपर जो है वो शक्ति जो है वो कम होगी। तो उस ज्यादा और कम शक्ति के कारण जो है बड़ा ज्वार आता है और कम ज्वार जो है वो आता है। तो इसी तरह से इन दोनों भागों में के बीच में जो स्थान रह जाता है वहां पे पानी जो है दोनों तरफ जो है खींचा चला जाता है और वहां पे भाटा जो है उत्पन्न होता है। तो दिन में 2 बार क्यों आता है कि पृथ्वी की दैनिक गति के साथ साथ चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर जो है वो घूमता है। जब भी पृथ्वी के चारों ओर जो है इस तरह से घूमता हुआ चला जाएगा तो इससे होगा क्या कि 24 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी करेगा, लेकिन पृथ्वी की इस गति के कारण होगा क्या कि ये थोड़ी सी पृथ्वी जो है आगे सरक जाती है जब तक चंद्रमा द्वारा उस पोजीशन के ऊपर आएगा। तो पृथ्वी जो है लगभग 13 डिग्री जो है वो आगे जो है चली जाती है। तो 13 डिग्री आगे चले जाने के कारण होगा क्या कि पृथ्वी को सॉरी चंद्रमा को दोबारा उस स्थान पर पहुंचने के लिए लगभग 52 मिनट्स का टाइम जो है लग जाता है, क्योंकि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 × 13 52 मिनट्स का समय जो है लग जाता है, इसलिए 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात जो है दूसरा ज्वार जो है उस स्थान के ऊपर आता है। अब हम बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर जो है ज्वार भाटा के प्रकार। तो ऊंचाई के आधार पर आते हैं 2 प्रकार के, एक है भृति ज्वार जिसको स्प्रिंग टाइड जो हम बोलते हैं, और दूसरे आते हैं निम्न ज्वार लघु ज्वार जो है वो आते हैं। अब हम बात करते हैं जो हाई टाइड है, हाई टाइड हमेशा ही कब आता है, जब जो फुल मून होता है, ठीक है, और जो न्यू मून होता है अमावस्या वाले दिन या फिर पूर्णमासी वाले दिन जो है ये परिस्थिति जो है उत्पन्न होती है। तो इसी समय होता क्या है कि फुल मून हो या चाहे न्यू मून हो, इन दोनों ही स्थितियों में होता क्या है कि सूरज पृथ्वी चंद्रमा जो है एक सीध में होते हैं, ये होते हैं फुल मून की पोजिशन में यानी कि पूर्णमासी वाले दिन। तो उस समय जो है हाई टाइड जो है आता है जिसको हम स्प्रिंग टाइड जो है हम बोलते हैं। और इसके विपरीत अमावस्या वाले दिन क्या होता है कि सूरज चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीध में होते हैं, तब भी जो है स्प्रिंग टाइड जो है वो आता है, बृहत ज्वार जो है आता है, क्योंकि इन दोनों का संयुक्त जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चाहे सूरज है चाहे चंद्रमा है, संयुक्त बल जो है वो पृथ्वी के ऊपर लगता है और हाई टाइड जो है उत्पन्न होता है। इसके विपरीत हम बात करते हैं निम्न ज्वार की। तो निम्न ज्वार की परिस्थिति जो है उस समय उत्पन्न होती है, हम बात कर रहे थे निम्न या लघु ज्वार की, जिसको हम निप टाइड भी हम बोलते हैं। निप टाइड ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है जब सूरज चंद्रमा और पृथ्वी आपस में समकोण बनाते हों। जब ये आपस में समकोण बनाते हों तो ऐसी स्थिति में होता है क्या है कि चंद्रमा जो है अपनी तरफ से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और सूरज जो है अपनी तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि निम्न ज्वार जो है वो उत्पन्न होगा, और ये निम्न ज्वार की जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति जो है उत्पन्न होती है जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है या कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, ऐसी स्थिति में जो है ये निप जो टाइड है उत्पन्न होता है, निम्न ज्वार जो है उत्पन्न होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर ही जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है, इस तरह से चारों ओर जो है ये घूमता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अब इसका जो कक्ष है, इसका जो चक्कर लगाने का जो क्षेत्र है वो है दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कभी चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है और कभी जो है ये दूर जाता है। तो जब ये समीप होता है तो इस समय जो है परिधि वाली स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम भूमि नीच भी हम बोलते हैं या उपभूमि का नाम भी हम देते हैं। और इसी तरह से जब ये दूर होता है तो एपोजी की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। आप यहाँ पे डिस्टेंस भी देखेंगे कि सूरज और चंद्रमा की डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति जो है वो अलग बारे में। अब हम बात करते हैं
कि पृथ्वी भी चंद्र सूरज के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाती है। तो इसका जो कक्ष है वो भी दीर्घवृत्ताकार कक्ष है। कभी यह सूरज के पास में होती है, कभी ये सूरज से दूर होती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये परिस्थिति आती है हर वर्ष जो है जनवरी में, 2 जनवरी को, और 2 जो है वो जुलाई को। ये जो 2 जनवरी में आती है इसको प्रिहिलियन इसको हम बोलते हैं, और इसको एफिलियन का नाम जो है इसको हम देते हैं जुलाई वाले स्थिति में। तो जब पृथ्वी के पास सूरज के पास जब पृथ्वी होगी तो उसके ऊपर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज्यादा होगा, और जब ये दूर होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होगा। तो ऐसी स्थिति में भी टाइड जो है वो हाई टाइड और लो टाइड जो है वो उत्पन्न होता है। ये जो जनवरी में जो परिस्थिति उत्पन्न होती है इस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर का नाम हम देते हैं, और जुलाई वाले समय में जिसको हम एफिलियन का नाम देते हैं इसको अपसौर का नाम जो है हम देते हैं। तो इसी तरह से ये लगातार जो है ऐसी परिस्थितियां जो है उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये जो परिस्थिति है महासागरीय जलीय धारों की, अब पृथ्वी के हर एक भाग के ऊपर जो है वो इस प्रकार की जो ज्वार भाटा है वो एक बराबर उत्पन्न नहीं होता है। विश्व में सर्वाधिक जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो उत्तरी अमेरिका की जो फंडी वे है, बे ऑफ फंडी है, फंडी की खाड़ी है, वहां पे सर्वाधिक सबसे अधिक इस प्रकार की टाइड जो है वो उत्पन्न होता है। लगभग 13 से लेकर के 22 मीटर ऊंची जो है इस प्रकार की टाइड जो है वो उत्पन्न होती है। हालांकि विश्व के अन्य भागों में, जैसे संसार के बड़े ऐसे क्षेत्र हैं, हमारे भारत देश में ही गंगा है, या चीन में यांगटी शिकियांग है, या दक्षिण अमेरिका में एमेजोन है, नदी है, इन भागों के ऊपर भी इस प्रकार की हाई टाइड्स जो है वो उत्पन्न होती हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइड, ज्वारभाटा का महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ज्वारभाटा के महत्व में आप सभी जानते हैं कि जब भी जिस स्थान के ऊपर ज्वार आता है तो तटीय क्षेत्रों के ऊपर जितना भी कूड़ा करकट इत्यादि है वो सारा का सारा जो है वहां से बह करके चला जाता है, इनके तटीय भाग जो है वो साफ सुथरे हो जाते हैं। फिर इसी तरह से इनकी इंपॉर्टेंस है कि महासागरीय जो जल है जब आपस में हिलता है, ज्वारभाटा के कारण जब सागरों का जल हिलता रहता है तो इसके कारण शुद्ध जल और स्वच्छ जल जो है आपस में जो है वो डाइल्यूट होता रहता है, मिश्रित होता चला जाता है। ज्वारभाटा के कारण ही महासागरीय जल के चढ़ाव के समय जो है बहुत सी सीपियां, कौड़ियां या बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं जो है वो बाहर आती हैं, तटीय भाग के ऊपर जो है आती रहती हैं। इसी तरह से ज्वारभाटा के उतार चढ़ाव के कारण जो है जो विद्युत शक्ति है उसका उत्पादन भी किया जाता है, और इसी तरह से महासागरीय इस ज्वारभाटा के कारण जो जहाज इत्यादि हैं उन जहाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में भी बहुत सहायता मिलती है। जैसे भारत की कांडला बंदरगाह है तो वहां पे ज्वारीय बंदरगाह जो इसको कहा जाता है, जब ज्वार आता है तो बड़े बड़े जहाजों को और आंतरिक भाग तक जो है लाया और ले जाया जाता है। इसी तरह से महासागरीय ये जो ज्वार भाटा जब उत्पन्न होता है तो इससे हमें महासागर के आंतरिक भाग के अध्ययन में भी सहायता जो है वो मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।